ओम शांति। ओम शांति। गरजना नहीं चाहिए। ओम शांति। आज के मुरली की हेडिंग है अभी विद्धि की स्टेज पार करके सिद्धि स्वरूप बनना है। केवल नहीं हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, चलो पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थी का तो लक्ष्य रख करके कर रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप। अब बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी अभी शब्द नहीं चाहिए, अभी सिद्धि स्वरूप बने कितने हैं ये अपने को चेक करो। आज कौन सी सभा लगी हुई है? मुरली से ऐसे लगा कि बाबा प्रोग्राम अनुसार नहीं आए हैं, परंतु याद किया है बाबा को और अरिजी डाली है तो बाबा बच्चों से आके मिले हैं। आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को वर्तमान समय किस स्वरूप में देख रहे हो? ये तो कोई नहीं अपने को समझेगा ना। जैसे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो हम भी वही सत्य का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं आज जन्माष्टमी के दिन स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूं तो जैसे बाप दादा बहुरूपी है वैसे ही आप सभी भी बहुरूपी हो। देखो बाप हम बच्चों को समानता हर बात में देते जाते हैं। जैसे बाप दादा बहुरूपी है वैसे ही आप सभी भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को इस सभा में धारण करके बैठे हो ये जानते हो? आज की सभा किन्हों की है बताओ। तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं की कौन से स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं? श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आवाहन करते हैं? आप सब श्रेष्ठ, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करते हैं या केवल एक आत्मा का आवाहन कर रहे हैं? खुद को क्या महसूस करते हो? किसका आवाहन करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आवाहन करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आवाहन किसका चल रहा है? बताया ना जन्माष्टमी के दिन की मुरली है। वर्तमान समय दो रूपों से आवाहन कर रही है। देखो तो वे आप लोगों का ही आवाहन कर रही है और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। चलो इस समय सबसे ज्यादा वरदानी विश्व कल्याणी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का पाठ चारों ओर, श्रेष्ठ आत्माओं का आवास चारों ओर पहुंच रहा है और आप श्रेष्ठ आत्माओं का अभी चारों ओर आवाहन हो रहा है। आवाज पहुंचा है और आवाहन हो रहा है। क्यों? भक्ति मार्ग के द्वारा।
व भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त है, उन सब अल्पकाल के प्राप्ति का सिंहासन तो डगमग उन्हों का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदा काल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शक्तियां व महादानी वरदानी देवियां ही याद आती हैं, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आवाहन ज्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का वर्तमान समय आवाहन ज्यादा है। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति करने के लिए तरपती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं जान चाहती है, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि ही चाहती है। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को ही जान सकेंगे। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय पहुंच गए अपने उसी स्वरूप में। हाँ बाबा, देखो कहते कहते हमें कहाँ स्थित करा रहा है। वर्तमान समय चाहिए कौन सा स्वरूप? कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल स्वरूप नहीं परंतु लवफुल स्वरूप चाहिए। पहले लव दो, पहले प्यार दो, फिर कायदा दो। वे लव के बाद ला को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन तो बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त होकर साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है, इसलिए कई प्रकार के प्राप्ति होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं है और भी दिन प्रतिदिन असंतुष्टता और भी बढ़ेंगी, महसूस करेंगी। ये साधन मंजिल से दूर करने वाले
भटकाने वाले हैं। ये साधन आत्मा को ओड़ी तरफाटने वाले हैं, अर्थात जैसे कलप पहले का गायन है। कौन सा गायन है? द्रौपदी ने क्या कहा था उसको? हे अंधे के औलाद अंधे, मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे। ऐसा अनुभव समय के अनुसार चारों और अब जल्द ही करेंगे। अब तो कहेंगे ना कर रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छत फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में न हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, अति इंद्रिय सुख भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल, अति इंद्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त की हुई वरदानी मूरत आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाली नहीं होंगी कि बाबा ये कर दो, ये दे दो, रायल रूप से मांगने का अंश भी नहीं रहेगा कि बाबा ये तो काम आपका ही है, आप तो करेंगे ही ना। ऐसे स्वयं करने वाले को, ऐसे स्वयं जो बाप ऑटोमेटिकली मदद करता ही है, तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे। क्यों? कहने से करने वाला तो मनुष्य ही गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचता को देखो क्या बना देते हो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व अधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त करा सकती है। इसलिए अब अपने को चेक करो। देखो चेकिंग के बाबा ने कैसे कैसे स्वरूप बताए हैं। अब अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग के समय प्रमाण, चेकिंग की अब समय के प्रमाण सूक्ष्म रूप से चेकिंग होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण ये चेक करो, हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितनी है और सिद्धि स्वरूप कितना है, अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय हमारा जाता है और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट्स में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में अपने को चेक करो, कितनी स्टेज तक पहुंचे हैं। ये चेकिंग महीन करनी है। बाबा और भी स्पष्ट कर रहे हैं, अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां
अब तक विद्धि में लगे रहने वाली आत्मा को अपने शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज ले आएंगी। देखो बाबा कितना स्पष्ट बता रहे हैं और कितना हमें ऊंची, अब तो समय आ गया ना, वो बाबा कहते हैं कभी भी अचानक हो सकता है, अब तो नजदीक पहुंच गए हैं, तो समझ गए ना, अभी तो सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है, नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विद्धि में रहने वाली आत्माओं को अपने शान से परे अर्थात परेशान के प्रभाव में सहज ले आएगी। इसलिए जैसे गायन है, कौन सा गायन आता है यार, कि पांडव अंत में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित होकर नीचे रहने वालों को साखी होकर खेल देखो, ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय बाबा कहते ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसे है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, अचल स्वरूप होना, अचल में कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रतन बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे हैं, प्रोग्राम प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर करो, जैसे बाप दादा आज्ञा प्रमाण कहा बच्चों ने और बाप आ गया तो फॉलो फादर करो, जो भी आज्ञा मिले जैसे मिले उसको कर्म में ले आओ। कल हमारे पास कल बीता और मुरली कल आत्माओं का आवाहन है, बाप का नहीं, शिव बाबा का नहीं, आप लोग भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना। पूछना कैसे जब जन्माष्टमी मनाई, जिससे आपके अपने अपने भगत अल्पकाल के लिए भी आपके दर्शन से प्रसन्न हो जाएंगे और फिर सभी अनुभव सुनाना, कल क्या अनुभव करते हो, बाबा कहते हैं फिर सभी अनुभव सुनाना, सारे दिन में कितने भक्तों को बाप के द्वारा भक्ति का फल दिलाया, बाबा कहते हैं देखो आपको महसूस होता है, अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना, एक का यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो, तो कल आप सब ने अपनी जन्माष्टमी मनाई तो बाबा कहते हैं कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे, सभी कृष्ण के समान देवता स्वरूप में तो होंगे ना, आप सबके देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है,
आया या देखो बाबा भी जैसा दिन वैसे हमारा किस स्वरूप का गायन है। बाबा कहते अपने उस स्वरूप को याद करो, एक के साथ आप सब भी हो तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण के समान देवता स्वरूप में तो होंगे ना, आप सब के देवता स्वरूप के स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे, वो मनाएंगे। आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे, ये सोचा ही नहीं होगा ना। देखो बाबा हमारा कितना ऊंचा टेंशन, जो भी भक्ति मार्ग में हो रहा है उसका यथार्थ रूप हम बच्चों को बाबा कहते हैं याद आना चाहिए। तो बाबा ने एकदम प्रत्यक्ष रूप दिखाया है कि आप सब के देवता स्वरूप की स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे और आप क्या करेंगे, वो मनाएंगे। आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। ऐसे सागर को भी स्नेह के घाघर में समाने वाले, ऐसे ज्ञान सागर बाप को भी स्नेह के घाघर में समाने वाले, सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप, हर सेकंड सर्व प्रति कल्याणकारी वरदानी, स्वयं के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूरत, सदा निराकारी और सदा सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप तो जानते हो ना, बाबा तो धीरे धीरे बोलता है तो भले लिखत में छोटी मुरली लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो समय काफी लग जाता है। आज मुरली एक नहीं दो मुरली इकट्ठी है, क्योंकि मुरली छोटी है और हमारे क्लास का टाइम और भी है। सुन ली बाबा की मुरली कितना ऊंचा बाबा हम बच्चों को ले गए हैं, और ऐसी ऊंचाई को देखो सारा दिन मथन करके क्या क्या मक्खन निकलता है, अर्थात वो मथन से अंदर महीनता को अनुभव करते रहे। अच्छा बाबा, और भी दूसरी मुरली के पहले, जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ बड़ी फास्ट रहती है, वैसे अभी आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी इतनी फास्ट है। सेवादारी हो ना सभी, सेवा के सिवाय और तो कुछ नहीं है। सोते भी सेवा, उठते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवादारी के रूप में। ऐसे सेवादारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा के प्रति, स्वयं के प्रति नहीं, स्वयं के आराम के प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक भी वो संकल्प नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी।
ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक पर। सर्विसफुल के मस्तक पर कौन सी निशानी होंगी? सर्विसफुल के मस्तक पर कौन सी निशानी होंगी? चलो आ गया ना बनासी भाई याद। तो बाबा कहते मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, पक्का याद रहे थोड़ा। ऐसे सर्विसेबल जो दूसरे के पुरुषार्थ को ऐसा बना दे, ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवादारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक पर। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होंगी? आत्मा रूपी मणि। मस्तक मणि है वो चमकती हुई नजर आवे, ये है सर्विसेबल का लेबल। तो आज इसको मथन करते और अपने को देखना, बाबा देखो रोज रोज कितना महीन हम अपन को चेक करके और अपने में उस शक्ति का अनुभव करें।